कोई भी व्रत हो, हर व्रत के बाद गणेश जी की कहानी जरूर कही जाती है, तभी उस व्रत का पूरा फल मिलता है। ऐसी ही आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेंढक मेंढकी की। एक तालाब में मेंढक और मेंढकी का जोड़ा रहता था। मेंढकी जो थी गणेश भगवान जी की भक्त थी और हर समय उन्हीं का नाम रखती रहती थी, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस बात से जो मेंढक था वो बहुत चिढ़ता था और उससे लड़ाई भी करता था, कई बार तो उसे मार भी देता था और कहता था कि तू पराय पुरुष का नाम लेती है, तू लक्ष्मी हो, तरह तरह के गालियों से देता था। और लेकिन मेंढकी जो है उसकी पूजा करती रहती थी गणेश जी की। एक दिन मेंढक को बहुत गुस्सा आया, उसने कह दिया कि अगर तू गणेश जी का नाम लेगी, अगर तू फिर से इस पराय पुरुष का नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने नाम लेना बंद कर दिया और इस बात से जो है गणेश जी बहुत नाराज हो गए। एक धोबी आता है घाट पर और वो घड़ा भरता है, उसके अंदर दोनों मेंढक मेंढकी चले जाते हैं। धोबी उस घड़े को ले जाकर के चूल्हे पर रख देता है, नीचे से आग जला देता है और पानी गर्म होने लगता है। मेंढकी गणेश जी का नाम जपने लगती है मन ही मन में, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, और आराम से बैठी रहती है। उधर जो मेंढक बैठा होता है, पानी जैसे जैसे गर्म होता है मेंढक भी जलने लगता है, वो शोर मचाने लगता है, मेंढकी मैं तो मरा, मेंढकी मैं तो मरा, मैं तो जल रहा हूँ। मेंढकी आराम से बैठी थी, मेंढकी कहती है ऐसा करो तुम मेरी तरफ आ जाओ, इधर पानी ठंडा है और मैं तुम्हारी तरफ चली जाती हूँ। वो मेंढकी मेंढक की तरफ चली गई, पूरी जगह बदल ली अपनी और मेंढक फिर चिल्लाने लगा, मेंढकी मरा, मैं तो मेंढकी मैं तो मरा, मेंढकी मैं तो मरा, मैं तो जल गया। तो फिर वो दोनों आपस में जगह बदल लेते हैं। जगह बदलने के बाद फिर मेंढकी तो आराम से बैठी रहती है, गणेश जी का जाप करती रहती है और मेंढक फिर से चिल्लाने लगता है, मैं तो मर गया, मैं तो जल गया। फिर पूछता है कि मेंढकी तू क्यों आराम से बैठी है, मैं तो इतना जल रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मरने वाला हूँ और तू आराम से बैठी है, ऐसा क्या है तू मुझे भी बता देना। तो फिर मेंढकी कहती है मैं तो गणेश जी भगवान जी का जाप कर रही हूँ, तुम भी जाप करो, तुम्हें भी भगवान जी संकट से दूर कर देंगे, तुम्हारा भी संकट हर लेंगे। और फिर दोनों मिलकर करते हैं ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, हे गणेश हरो कलेश, हे गणेश हरो कलेश, हे गणेश हरे करो। तो इस तरह से भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न होते हैं और वो दो साल दो को वहां पर भेजते हैं, लड़ते हुए दो साल वहां आते हैं और वो घड़े में लात मारते हैं, घड़ा गिर जाता है, टूट जाता है और वो दोनों बह करके फिर से तालाब में आ जाते हैं। तब से दोनों मेंढक मेंढकी गणेश जी के भक्त हो जाते हैं और उनका नाम जपते रहते हैं। जैसे भगवान ने मेंढक मेंढकी की सुनी वैसी सबकी सुने, जैसे उनके कलेश हरे ऐसे सबके कलेश हरे, हे गणेश हरो कलेश, हे गणेश हरो कलेश। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, थैंक यू।